Hari Om Vishwam Darpan Drishyaman Nagari Tulyam Nijantargatam Pasyannātmanimāyaya vahirivo bhūtam yathānindraya yah sākṣāt kurute prabodh samaye svātmānamevādvayam Tasmai Shri Guru Murtaye Namaidam Sri Dakshina Murtaye Shantam Saswatam Aprameya Managham Nirvana Shanti Pradam Brahma Sambhupanendra Sebhya Manisham Vedanta Vedyam Vibhum Ramakhyam Jagadishwaram Surugurum Maya Manushyam Harim Bandeham Karunakaram Raghuvaram Bhopal Chudamanim Om Namasri Paramahansa Swadit Charan Kamal Chinam Karandaya Bhak Janamanashanivasaya Sri Ramachandraya Vagishayasya Vadane Lakshmir Yasya Chavakshasi Yasyaste Hridaye Samved Tam Nishingamaham Vaje Akhandananda Bodhaya Sishya Santapa Harine Satchidananda Rupaya Tasmi Sri Gurave Namaha Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarah, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha, Tasmai Sri Gurave Namaha, Shriman Narayan 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 Yen Shriman Narayan 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 Yen Lakshmi Narayan 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 Lakshmi Yen Lakshmi Narayan 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 Lakshmi Yen Shriman Narayan 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 Shriman Yen Sadguru Narayan Narayan Narayan
Sadhguru. Yena Sadhguru Narayana 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 Sadhguru. Yena Shriman Narayana 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 Shriman. Yena Bhajman Narayana 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 Bhajman. Bhajman Narayana 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 Bhajman. Yena Shriman Narayana 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 Shriman. Yena Namo Mahadabhyo Sarvebhyo Namo Namaha. परमात्मा ने जीव के लिए चार पुरुषार्थों का सृजन किया, मनुष्य के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ शब्द का सीधा साधा यदि अर्थ करें तो अर्थ यही होता है जिसको पुरुष परिश्रम से प्राप्त कर सके, जिसको पुरुष परिश्रम से प्राप्त कर सके उसी का नाम पुरुषार्थ है। धर्म भी हम परिश्रम से प्राप्त कर सकते हैं, अर्थ भी हम परिश्रम से प्राप्त कर सकते हैं, काम भी हम परिश्रम से प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष भी हम परिश्रम से प्राप्त कर सकते हैं। किंतु विडंबना ऐसी है, किसी अज्ञात शक्ति ने मनुष्य को ऐसा ठगा है कि उसे पता भी नहीं कि हम ठगे गए हैं। कई बार होता है कि हम ठगे गए होते हैं ये हमें पता होता है, और कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम ठगे गए हैं। किंतु निश्चित रूप से हम ठगे गए हैं। चारों पुरुषार्थों में हम लोगों ने केवल दो पुरुषार्थों को ही पकड़ना चाहा और संपूर्ण जीवन की ऊर्जा भी उसी में लगाने का निश्चय किया, प्रयास कर रहे हैं। एक तो अर्थ को कमाने में लगा है जीवन, दूसरा काम की सामग्री इकट्ठा करने में लगा है जीवन। हमारे जीवन का स्वर्णिम समय अधिकतर हम दो चीजों में ही लगा देते हैं। स्वर्णिम समय, मैं कई बार लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, मनुष्य को छोड़ करके 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, मनुष्यों से अधिक संख्या है उनकी, किंतु मनुष्य को छोड़ करके किसी भी योनि वाले का किसी बैंक में खाता नंबर हो तो बताना, मैं मोदी जी को दे दूंगा। किसी का नहीं है, शेर का नहीं है, हाथी का नहीं है। निश्चित रूप से हाथी का आहार हम लोगों से ज्यादा है, किंतु किसी भी योनि का खाता नहीं है। किंतु क्या बिना खाते के कोई खाता नहीं है? बिना खाते वाले भी खूब खाते हैं और आनंद में रहते हैं,
किंतु जिनका खाता है वो क्या क्या खाता है वो आप लोग अपने आप सोच लेना। तो केवल एक तरफा हमारा बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस तब सही रहता कि जब हमारे जीवन में पहले धर्म होता और धर्म के माध्यम से ही अर्थ कमाया जाए। अगर धर्म के अनुशासन में अर्थ आता है तो अर्थ सुख भी देता है, पीढ़ी दर पीढ़ी रहता भी है। और जो धर्म अर्थ के अनुशासन, धर्म के अनुशासन से अर्थ नहीं आता है, वह अर्थ हमारे जीवन में अनर्थ करता है। और कहां तक कहें, मूल को भी लेकर जाता है और शूल भी दे जाता है। मूल भी लेकर जाए और शूल भी दे जाए। भागवत में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि अर्थ उपाख्यान है ये। चतुर्थ स्कंद में इसमें सुखदेव जी महाराज ने एक दृष्टि दी, आप लोग कई बार भागवत सुनते सुनाते ही हैं। ध्रुव का उपाख्यान, ये जो उत्तान पाद है, हम सब जीव उत्तान पाद हैं, क्योंकि हम सब लोगों की स्थिति उत्तान पाद जैसी है। गर्भ में रहते हैं तब भी हम लोगों के पैर ऊपर रहते हैं, सर नीचे रहता है, और हम लोगों की स्थिति भी ऐसी ही है। हम लोगों की भी दो पत्नियां हैं। एक बार मैं कहीं ऐसा बोल रहा था कि दो पत्नी है, तो एक देवी जी ने आकर के कहा कि अपने पति की एक तो मैं हूं, दूसरे का नाम बताओ, वो है कौन। तो हमने कहा तुम्हारे पति की बात नहीं कर रहा था मैं, तुम्हारे पति की तो एक ही है। तो ध्यान रखना, दो पत्नी का अभिप्राय दो बुद्धि, दो प्रकार की बुद्धि हमारी है। एक बुद्धि का नाम सुनीति है, दूसरे एक बुद्धि का नाम सुरुचि है। सुनीति माने धर्म नीति, सुष्ठु नीति, अनुशासन की नीति, और सुरुचि माने अपना मन, अपनी रुचि, मनमानी। जो सुरुचि होती है उसमें कोई अनुशासन नहीं होता है। अब जरा दोनों ने धन की कामना की, दोनों को पुत्र मिले, सुनीति के लाल का नाम ध्रुव रखा गया और सुरुचि के लाल का नाम उत्तम रखा गया। आजकल जो दशा हो रही है हम सबकी, अधिकतर हम लोगों के दिमाग में है कि जो धन है वही उत्तम है, और धन चाहे जैसे आए उत्तम है वो, किंतु याद रखना चाहे जैसे आए भले उसका नाम उत्तम रख देना, और आप अपने दिमाग से उत्तम समझ भी लेना कि तो उत्तम स्वयं तो मरा ही मरा और अपनी मां को भी मार गया। स्वयं मरा और मां भी जंगल में जलकर मरी, तड़प तड़प करके मरी, आग में झुलस झुलस कर मरी, और उसको तो गंधर्वों ने मार डाला, किंतु ध्रुव आज भी है, ध्रुव का स्थान भी आज भी है। क्योंकि उनके पास जो, जिस देवी के पास ध्रुव आए थे, वह सुष्ठु नीति से जीती थी, शास्त्र नीति से जीती थी, धर्म से जीती थी। ध्यान रखना, सत्य परेशान हो सकता है किंतु परास्त नहीं होता है। सत्य परेशान होता है, परास्त नहीं होता है। आप लोग अनुभव करना, अपने राम तो अभी तक टाकीज गए नहीं कभी, और अब तो जाने का सवाल ही नहीं है। बचपन से कहीं सहयोग बना नहीं, किंतु जब कभी कहीं नाटक देखने का या फिल्म देखने का अवसर मिला, टीवी में बैठे हुए देखा, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अभी तक ऐसी फिल्म बनाई गई होगी जिसमें खलनायक जीता हो। खलनायक के पास बल बहुत होता है, धन का बल होता है, मनुष्यों का बल होता है, पद का बल होता है, दुनिया के लोग उसके साथ होते हैं, किंतु वह जीतता नहीं है। और जो
नायक होता है, नायक इसीलिए नायक है, उसके पास ये सारे बल नहीं होते हैं। कई बार अर्थ का भी बल नहीं है, व्यक्ति का भी बल नहीं है, किंतु विजय किसकी होती है? परेशान होता है वो, बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। क्यों उसकी विजय होती है? क्योंकि धर्म उसके साथ है। यत्र धर्मः तत्र विजयः, जहां धर्म है उसकी विजय है। तो हमारे पास यदि अर्थ भी आए, अर्थ अनर्थ कब करता है? जब धर्म पूर्वक नहीं आता है। अनर्थ जब धर्म पूर्वक आएगा तब वो अनर्थ करेगा, अर्थ नहीं रह जाएगा। और यदि धर्म पूर्वक अर्थ आया है तो आपको धर्म में लगाएगा, और धर्म में यदि आप लगोगे तो निश्चित रूप से आपकी उन्नति होगी। तो कल जो हम लोगों ने जीवनधन गोविंद के मुखारविंद से प्रसंग सुना, जो श्री उद्धव को सुना रहे हैं, उद्धव हमारे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, भगवत भक्त हैं, मंत्री हैं, एक अच्छे गुरु के शिष्य हैं। एक मनुष्य में जितनी विशेषताएं होनी चाहिए सारी विशेषताएं हैं, और श्री उद्धव को भगवान स्वयं ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उज्जैन में रहने वाला जो ब्राह्मण था, उसने धन तो बहुत कमाया किंतु धर्म पूर्वक नहीं कमाया, वार्तावृत्ति से कमाया, और धर्म पूर्वक कमाया नहीं इसलिए धर्म में लगा नहीं पाया। अच्छा, चलो धर्म में ना भी लगा पाता तो अपनी सुविधाओं में लगा लेता, किंतु अपनी सुविधा में भी नहीं लगा पाया। और अपनी सुविधा में नहीं लगाता तो चलो जो अपने साथ में रहते लोग हैं उनकी सेवा में लगा लेता, पत्नी को देता, बच्चों को देता, उनको सही शिक्षा देता, सही दिशा देता। कई बार मैं आश्रम में कभी कुछ चीजें व्यर्थ होते देखता हूं, तो संस्कार ऐसे हैं कि लाइट भी यदि व्यर्थ कोई जलाए तो पीड़ा होती है, कुछ संस्कार हैं। पानी भी कोई व्यर्थ करे तो पीड़ा होती है, क्यों होती कुछ पता नहीं। मैं तो घूमने भी निकलता हूं वृंदावन में या कहीं, तो हमारा सेवक परेशान होता है। मैं कहूंगा उस खंभे की लाइट जल्दी वो बंद कराओ, वो वहां नल चल रहा है, वो कोई खुला छोड़ गया, वो बंद कराओ। मैं भी बंद करता हूं। तो संस्कार कुछ ऐसे पड़े हैं, पता नहीं क्यों पड़े हैं, कहां से पड़े मुझे पता नहीं है। तो जब कोई चीजें व्यर्थ होती हैं तो पीड़ा होती है, जब पीड़ा होती है तो फिर अपने मन को एक बात समझाता हूं कि ये जो धन लग रहा है यहां पर वो ईमानदारी की कमाई का नहीं है। अगर ईमानदारी की कमाई का होता तो ये व्यर्थ नहीं जाता। ये जो हम लोगों को धन दे रहे हैं, कोई लोग वह पुरुषार्थ के द्वारा, धर्म के द्वारा कमा कर नहीं दे रहे हैं, ये मन को समझाते हैं और यथार्थ भी है, क्योंकि उसका प्रयोग किस ढंग से हो रहा है। हम लोग कई बार बड़ा हंसते हैं। एक बार वृंदावन में गर्मी का समय था, जून का महीना, जहां मैं रहता हूं उसके बगल में रेलवे लाइन है, तो कुछ नवयुवक झगड़ रहे थे, मारपीट की आवाज आई, भयंकर गर्मी थी। मैंने जाके देखा, वो सब नवयुवक हमारे परिचित थे, वहां सफाई कर्मचारी थे। तो मैंने ऊपर से डांट करके, नाम लेकर के कहा कि तुम लोग ये क्यों झगड़ा कर रखे हो? तो एक उसमें से बालक बोला, महाराज जी हम लोग चोरी करके लाए हैं सामान कुछ, और ये ईमानदारी से बांट नहीं रहा है। ईमानदारी से कहा कि चोरी करके कुछ लाए, ये ईमानदारी से बांट नहीं रहा है, आप इसको कहो कि ये ईमानदारी से बांटे। तो हमने कहा जो चीज बेईमानी से लाए उसमें ईमानदारी कहां से आएगी? अगर आप ईमानदारी से लाए होते तो ईमानदारी आती, अब लाए तुम बेईमानी से, उसमें ईमानदारी चाहते हो। फिर हमने कहा कि इस बीच में मैं पढ़ूंगा नहीं, किंतु झगड़ा मत करो, मारपीट मत करो। मैंने पूछा भी नहीं क्या करके लाए हो, कहां से लाए हो, क्योंकि सफाई कर्मचारी हैं और आजकल उनके बीच में पढ़ने लायक नहीं है।
उनकी जाति का नाम भी नहीं ले सकते श्रीवास्तव जी, अगर जाति का नाम ले दें तो वो भी अंदर डाल देंगे, कहेंगे तुमने जाति का नाम कैसे ले दिया इनके। तो उनको बड़े आदर से कहना पड़ता है, प्रेम करना पड़ता है, और हमारे तो सचमुच में डर की वजह से नहीं, हमको सफाई कर्मचारी बहुत प्रिय भी है। और वृंदावन में तो जो माताएं झाड़ू लगाती हैं सुबह सुबह, मैं उनको अंदर से प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं खुल के प्रणाम करने लगूं तो उनको संकोच होगा। तो जहां दिखती माताएं सब मैं हाथ जोड़कर वंदन कर लेता हूं। मुझे लगता है कि जिस ब्रजरज की मांग ब्रह्मा करते हैं, जिस ब्रजरज की मांग श्री उद्धव करते हैं, इन लोगों को ब्रजरज सहज उपलब्ध है, पूरे ब्रजरज से अवसिक्त हो रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं। तो हमारा उनके प्रति आदर है, उपेक्षा की दृष्टि से तो बस निवेदन यही कर रहा था कि जो अधर्म से आता है उससे अधर्म ही होता है, उससे धर्म की आशा करने लायक नहीं है। तो अब इसने अधर्म से धन कमाया था और कहीं उसका सदुपयोग नहीं कर पाया, न वह दान दे पाया, न उसका उपयोग कर पाया, न अपने बंधुओं को सही दे पाया, तो निश्चित रूप से वो धन नष्ट हो गया। क्योंकि स्वाभाविक है, एक तो चित्त में बात बना के रखना, जो मिला है वो बिछुड़ेगा, और बुद्धिमानी यही है कि जब अपने पास में हो तब उसका सदुपयोग कर लो, कल तक रहेगा इसकी आशा मत करो, या रहेगा भी तो तुम्हारा अधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा उस पर भी आशा मत करो। हम देखते हैं जब वृद्धावस्था हो जाती है, अपने से हस्ताक्षर नहीं होते हैं और सब हम बच्चों को दे देते हैं, तो हमने ही कमाया, अब उसमें हमारा अधिकार नहीं है। आप नहीं दे सकते हो किसी को। हमारे पास कितने केस आते हैं कि माता पिता चाहते हैं कुछ बेटी को भी दे, तो बेटा नहीं देने देता है, और जब वो बेटी को देना चाहते हैं तो बेटे से और झगड़ा हो जाता है, और बाप और बेटे में मतैक्य नहीं रहता है, धन के कारण बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इतनी समस्याएं खड़ी होती हैं कि आप तो स्वयं परिचित हैं, हमसे ज्यादा परिचित हैं, आप तो बाजार में रहते हो और खरीददार हो, हम तो बाजार में रहते हैं किंतु खरीददार नहीं है, रहते बाजार में ही हैं किंतु खरीददार नहीं है, इसलिए हम दोनों दृष्टि से देख पाते हैं। तो ये दोनों हमारा ढंग से, इसने धन का जो उपयोग नहीं किया, ना अपने ओर न किसी को दिया, वह धन चला गया, और जब धन चला गया तो धन के कारण ही संसार में लोग प्रेम करते हैं। बड़ा विलक्षण खेल है, आपके पास धन न हो तो आपके रिश्तेदार भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। हमने देखा है कि गरीब व्यक्ति हो तो उसके रिश्तेदार भी नहीं कहते मेरा रिश्तेदार है, और धनवान हो यदि व्यक्ति तो निश्चित रूप से दूर के रिश्तेदार भी कहेंगे कि वो हमारे हैं, भला मानुष तब भी ना हो क्योंकि नाम हो उसका। हमारे वृंदावन के तो लोग कहते हैं जग में दो ही बड़े, जग में दो ही बड़े, दामोदर और उदाम, दामोदर बैठे रहे दाम करे सब काम। जग में दो ही बड़े, दामोदर और उदाम, दामोदर बैठे रहे और दाम करे सब काम। और ये कलयुग तो वैसे ही वित्त प्रधान है, जैसे सतयुग धर्म प्रधान था, तप प्रधान था, ऐसे सब युग अलग अलग प्रधानता को लेकर के हैं, और कलयुग में अर्थ की प्रधानता है। यस्यास्य वित्तम स नरक कुलीनः सयेव गुणज्ञ सशीलवानः, जिसके पास धन है वही कुलीन है, वही गुणज्ञ है, वही शीलवान है, वही संपत्तिवान होने के कारण सारे गुण उसमें, सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, सारे गुण उसमें निवास करने लगते हैं। और किंतु यदि वो धन चला जाए तो महाराज वही, अगर उसका नाम जगदीश चंद्र हो तो धन वाले लोग उसका सम्मान से नाम लेंगे, और धन न हो तो जग्गू कह के पुकारेंगे। नाम ही बदल गया जी,
जगदीश चंद कोई नहीं कहेगा, ए जगुआ। अब जगदीश का जगुआ कहां से बन गया? अभी जगदीश तो जगदीश है, किंतु जगदीश जगुआ बन जाता है धन के अभाव में। तो महाराज इन्होंने क्या किया कि जब धन चला गया तो सारे परिवार के लोगों ने इनका त्याग कर दिया। अगर पहले सौहार्द से जिए होते, किसी को दिए होते तो इनके प्रति सौहार्द होता। तो धन किसी को दिया नहीं था, वाणी मात्र से किसी को सम्मान किया नहीं था। हमारे भगवान कहते हैं, अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नासोपभोग आयास। महाराज अर्थ कमाने में परिश्रम और रक्षा करने में परिश्रम, रक्षणे अर्थ जब कमाया जाता है तभी चिंता होती है, परिश्रम होता है। जो लोग कमाते हैं वो जानते हैं कितना परिश्रम करना पड़ता है। फिर उसको बढ़े उत्कर्ष हो उसका, उसके लिए भी आयास प्रयास करने पड़ते हैं। और उसके बाद यदि व्यय करना पड़े तब भी कष्ट होता है, नाश हो जाए तो और कष्ट होता है। तो ये कहा कि महाराज इससे हर प्रकार से चिंता ही होती है, पता नहीं। भगवान कह रहे हैं कि इस अनर्थ रूपधारी का अर्थ नाम किसने रख दिया है। और एक बात निवेदन कर दूं, यहां समझने लायक बात है, यदि आपको श्रेय चाहिए, अध्यात्म चाहिए, मोक्ष चाहिए, अनंत सुख चाहिए, ये श्रेय माने, लोग समझते हैं श्रेय माने कोई मरने के बाद मुक्ति मिलती होगी। मैं तो श्रेय शब्द का अर्थ करता हूं बिना व्यक्ति, बिना वस्तु, बिना स्थान आपके जीवन में आनंद बना रहे। आज हम लोगों के पास जो सुख मिलता है तो व्यक्ति के कारण, स्थान के कारण, वस्तु के कारण। अगर हमारे पास स्थान नहीं तो हम दुखी हो जाएं, स्थान है तो सुखी हो जाएं। अगर हमारे चारों तरफ लोग बैठे हैं तो हम प्रसन्न हैं, चले गए तो दुखी हो गए, हाय हाय मैं तो कोई मेरा रहा ही नहीं, मैं एकाकी हो गया। तो हम लोगों का जो सुख है वो उधार लिया हुआ है और दूसरों के आश्रित है। अब पत्नी का सुख तो पत्नी के आश्रित, पति का सुख पति के आश्रित, बेटों का सुख बेटों के आश्रित। अब ये लोग ना देना चाहें तो नहीं मिलेगा। तो ये सब पर आश्रित सुख हो गया हमारे पास जो है। अध्यात्म का सुख उसका नाम है, श्रेय का सुख उसका नाम है जो पराश्रित नहीं स्वाश्रित हो। हम जब चाहें जैसे चाहें रह करके भी आनंद में रह सकें। भगवान ने कहा कि इस अर्थ में 15 अनर्थ हैं, एक दो नहीं, इस अर्थ में 15 अनर्थ हैं। एक तो पहला अनर्थ है स्तेयम, चोरी। आप जरा इसका विचार करना, जब धन आता है तो पत्नी से भी छुपाना पड़ता है जी। अगर पत्नी को सब पता चल जाए इतना माल है तो फिर तुरंत हार मांग देगी, और नहीं दिए तो जिंदगी की हार, हार जिंदगी की हार कर दे। तो उसको भी सब बताया नहीं जाता कितना माल है, चोरी हो गई कि नहीं हो गई, इनकम टैक्स की चोरी, कैसे कैसे छुपाना आता है। तो चोरी उसमें आ जाती है, और महाराज हिंसा आ जाती है। हिंसा केवल किसी की गर्दन काट देने से हिंसा नहीं होती है, धन के अभिमान के कारण कई बार हमारे से वाक्य ऐसे निकल जाते हैं कि सामने वाले को इतनी पीड़ा होती है कुछ पूछो नहीं, हिंसा की प्रवृत्ति हो जाए। स्तेयम हिंसा, अनृतम, अनृत माने झूठ, व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ता है। अगर झूठ ना बोले, धन अगर हमारे पास में है, अब हमारे पास में थैले में रुपया हो दक्षिणा वाला, और पुलिस वाले आके पूछे कि स्वामी जी इसमें क्या है, मैं नहीं कहूंगा कि दक्षिणा है इसमें, कह देंगे ठाकुर जी रखे हैं। ये झूठ आया कि नहीं आया, ये अनर्थ आ गया, झूठ आ गया, ये अर्थ आया तो अनर्थ ही आ रहे हैं।
पहले आया झूठ, चोरी अरे, हिंसा, अनिर्त, दंभ। दंभ का अभिप्राय बनावट। हमारे जीवन में बनावट आ जाती है, ऐसी ऐसी बनावट आती है। हमारे महाराज जी ने एक जगह सुनाया कि एक सेठ जी किसी से बोलते नहीं थे, बड़े कड़क रहे। तो महाराज जी ने कहा कि किस बोलते क्यों नहीं हो, और महात्मा आ जाए तो उनसे और न बोले। बोले क्यों नहीं बोलते हो? बोले ज्यादा बोलूंगा तो ये स्वामी जी चंदा मांग देंगे, तो इनसे ज्यादा बोलने में फायदा नहीं है, फिर हम मना नहीं कर पाएंगे। कहेंगे भाई इतना हमको गौशाला के लिए दे दो, इतना पाठशाला के लिए दे दो, इतना यज्ञशाला के लिए दे दो, तो इनसे दूरी बोलना ठीक नहीं है। दम बनावट आ गई, बोलने का मन भी हो तब भी लगे कि कहीं खतरा तो नहीं है, यहां बोलेंगे तो खतरा ना हो। तो ये दम आ गया अर्थ के कारण। और कामह, कामह का अर्थ कामना है। याद रखिएगा, जब धन आता है, एक सबसे बड़ी विडंबना है धन की। ये धन की विडंबना यह है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, कामना बढ़ती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मैं इसको कई बार कहता रहता हूं, ये बहुत अच्छा दोहा है तुलसीदास जी महाराज का, हमको बहुत प्रिय, हम बचपन से इसको गुनगुनाते थे। एक दिन यही बंबई में हमने पूज्य पंडित जी महाराज से, रामकिंकर जी महाराज से कुछ बात कर दी, यही कथा चल रही थी प्रेमपुरी में। तो मैंने उनसे पूछा, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुहि राम। हमको कब से पता नहीं, बचपन से याद है। कैसे याद है? शायद हमारे पिताजी अपने पाठ में गुनगुनाते थे, तो हमको पढ़ना भी नहीं आता, तब से याद है। तब से कई दोहे ऐसे हैं, कई श्लोक ऐसे जो सुन सुनकर बचपन में याद हुए। तो मैंने पूज्य पंडित जी महाराज से कहा कि ये कामी के समान प्रीति, लोभी के समान प्रीति भगवान के साथ मांग रहे हैं तुलसीदास, इसका रहस्य क्या है? इनको कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिला। तो इतनी बढ़िया बात पूज्य पंडित जी महाराज ने कही, युक्त तुलसीदास जी महाराज ने, उन्होंने इतनी रसीली बात कहा कि देखो, प्रारंभिक प्रीति हमारी कामी के समान हो, किंतु बाद की प्रीति कामी के समान नहीं, लोभी के समान हो। आप देखेंगे, कामी को यदि कामनी की प्राप्ति करनी हो तो कितनी उत्कंठा होती है, और कितनी बेचैनी होती है, कितनी प्रतीक्षा होती है, कितनी तड़फन होती है। किंतु कामी को यदि कामनी मिल जाए और वासना पूरी हो जाए, फिर उसकी आवश्यकता उसको नहीं है, वासना पूरी हो गई, काम पूरा हो गया। किंतु भक्त की दृष्टि में प्रारंभिक प्रीति तो कामी के समान हो, किंतु बाद की प्रीति कामी के समान न हो, लोभी के समान हो। अभिप्राय क्या है? लोभी को चाहे कितना धन मिल जाए, किंतु उसको कभी तृप्ति नहीं होती है। वैसे ही भगवान की चाहे कितनी प्राप्ति हो जाए, प्रेमी को कभी तृप्ति न हो कि बस अब मिलने की जरूरत नहीं है। एक बार मुलाकात हो गई, अब आप ना भी मिलो तो काम चलेगा, ऐसा नहीं। आप सतत मिलते रहें, और लगे गोपी गीत में तो गोपांगनाओं ने कहा कि केवल एक बार सकृत शब्द का प्रयोग किया है। सकृत धर सुधाम स्वाम पायनी मोहित्वा, महाराज केवल एक बार उसने हमको पान करा दिया। तो किसी ने पूछा कि एक बार क्या, तो श्री कृष्ण के साथ रही इतने दिनों तक, बार बार श्री कृष्ण से मुलाकात होती थी, तो कहा कितनी बार हुआ, किंतु अपने को तो लगता है एक ही बार हुआ है। हमारे एक मित्र थे, कई घंटों तक महात्मा थे, आते थे कई बार, अभी कहीं हिमाचल में रहते हैं, तो कभी मैं उनसे मिलने जाता था, ऋषिकेश में एक जगह रहते थे, तो अपने को समय से गुरुजी की सेवा में जाना होता था, तो घंटा डेढ़ घंटा बैठने के बाद मैं कहता था मैं जा रहा हूं, मुझे जाना है, तो बार बार कहते थे अभी तो आए हो और चल दिए। एक दिन तो बोले अभी आए हो, अभी दामन संभाला है, तुम्हारे जाऊं जाऊं ने मेरा दम निकाला है।
बोले जाऊं 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 बोलते रहते हो, अभी आए हो, अभी दामन संभाला है तुम्हारे, जाऊं जाऊं ने मेरा दम निकाला। मैंने कहा 3 घंटे से बैठा हूं। बोले तुमको लगता है 3 घंटे, मुझे तो 3 मिनट लगता है। ये प्रीता का खेल है। तो जैसे प्रीता बढ़ती है तो उसमें कितनी बार भी मुलाकात हो, जैसे अर्थी व्यक्ति के पास, लोभी व्यक्ति के पास में तृप्ति नहीं होती, चाहे कितना धन आ जाए, वो तो कहता अभी तो कम है हमारे पास, अभी तो कम है। तो ये जो प्यास जगती है अर्थ में, ये कामना जगती है अर्थ में, ये महाराज कहां लेकर के पहुंचती है कुछ पूछो नहीं। और क्रोध, ये अर्थ के कारण क्रोध भी आता है कि क्या समझते हो हमको, कोई मैं अरे गहरा नत्थू कह रहा हूं क्या। एक तो मैं देख रहा था एक ट्रेन में, एक दिन स्टेशन पर एक देवी जी ने अपने पति को कहा कि ये अटैची उठाओ, कुली नहीं मिल रहा यहां, तुम्हें को उठाना पड़ेगा। तो उसने कहा मेरे कमर में दर्द है, ये मेरे से नहीं उठता है, तू अपना हाथ लगा तू ले जा। तो बड़े नाराज होकर के बोली तेरे जैसे तो मेरे घर में नौकर थे और तू मुझे आर्डर देता है। तो मैं सोचा ये है कौन, बाद में पता चला किसी अमीर व्यक्ति की बेटी थी। तो ये जो धन का मद होता है ना, वो क्रोध को जन्म देता है। थोड़ी और थोड़ी बात में गुस्सा आ जाए, थोड़ी बात में। हमारे गुरुदेव ने हमको कहा बैंक में खाता खोलना है, किंतु शर्त ये है खाता दोनों के नाम से होगा, तुम्हारे और हमारे, किंतु चेकबुक हमारे पास होगी और हस्ताक्षर करके पूरी चेक में दे देना। दे देते थे, बोले डालोगे तुम निकालूंगा मैं। तो कहीं से डाल देते थे, जब हम देखते थे तो होता कुछ नहीं था। तो एक दिन मैंने दुखी होकर के कहा कि आप मेरे पास तो पाई रहने नहीं देना चाहते हो, जैसे भी आए मांग लेते थे, उनको पता चले कि मेरे पास कुछ पैसा है तो कहते थे निकालो, किसी से कभी मांगते नहीं थे, किंतु मेरे से अधिकार से मांग लेते थे लाओ। तो एक दिन मैं दुखी होकर किसी घटना के कारण मैंने कहा कि आपने हमको कहीं का नहीं रखा, ना तो मेरे पास पैसा रुपया रहने दिया कुछ भी, ना मेरे को कहीं जाने दिया, और यहां की परिस्थिति ऐसी है। बड़े गंभीर होकर जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ रहने देता तो तुम मेरे नहीं रहते। उस समय तो समझ में, बाद में मुझे लगा कि बात बिल्कुल सच्ची है। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ होता, और परिस्थितियां बदलती हैं सब जगह पर, तो तुम्हारा जब यहां अपमान होता, उपेक्षा होती, तो तुमको लगेगा कि हमारे पास है, चलो मैं दूसरा आश्रम बना लेता हूं। तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम तभी हमारे हो। तो सचमुच में ये जब धन आ जाता है, हम देखते हैं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा किसी को ना हो। परिवार में जब अर्थ की कमी होती तब परिवार संयुक्त होता है, एक साथ बंधे रहते हैं, और जहां अर्थ की बढ़ोतरी हुई तो महाराज वो अर्थ फिर दूर ले जाएगा, वो कहेगा कि हमको साथ नहीं रहना, कि वो सहन शक्ति नहीं होगी, ये अर्थ सहन शक्ति छीन लेता है, सहना नहीं हो पाता है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि क्रोध आता है, अभिमान आता है, मद आता है, आपस में भेद हो जाता है, और इतना ही नहीं वैर आता है, और वैर के साथ साथ अविश्वास आता है। आप कभी विचार करना कि जब अर्थ होता है तो किसी पर विश्वास नहीं होता है। हम तो लोगों को देखते हैं अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है, पत्नी पर। महाराज जो भले दो शरीर हों किंतु एक हैं, जिनकी सांसें मिली हुई हैं, जो साथ में जीने मरने की कसम खा के बैठे हैं, एक दूसरे के साथ कहते हैं किंतु उनका विश्वास नहीं है। एक माता जी ब्याज पर पैसा उठाती थी स्वयं करोड़ों में, और उसके पति को जरूरत पड़ी तो नहीं दिया, वो बहुत मांगते रहे नहीं दिया। तो हमने कहा कि तुम दूसरों को ब्याज में देती हो, ब्याज ही में दे दो। तो उसने कहा महाराज जी तुमको पता नहीं, मैं पत्नी हूं इसकी, ये देगा ही नहीं हमको।
इसको देना नहीं, तो अविश्वास आया कि नहीं आया? आपस में अविश्वास आ गया कि चला जाएंगे, किसने अविश्वास पैदा किया बीच में? तो कहा इस अनर्थ करने वाले अर्थ ने उत्पन्न किया। और संस्पर्धा, स्पर्धा आती है कि ये हम देखते हैं बच्चों को कई बार, जो अमीर घर के बच्चे हों, अगर गाड़ी भी कोई ड्राइवर निकाल कर उनसे आगे ले जाए तो कहते हैं हमारे से कैसे आगे निकाला है, इसको पीछे करो। तो ये स्पर्धा छोटी छोटी है, केवल इसी में नहीं, चलने में स्पर्धा, धन की स्पर्धा कि हमसे पहले कैसे निकल रहा है, इसको पीछे करना है। ये हो गए 12। अब तीन व्यसन में है, तीन जो व्यसन में है, एक जुआ आता है, मदिरा आती है, ये व्यसन के लक्षण है, और व्यभिचार आता है। जो धन हो, मैं तो सच कहता हूं भगवान की कृपा हो किसी के ऊपर कि धन दिया हो और सच्चरित्रता दी हो, ये बहुत दुर्लभ है। धन के साथ सच्चित ईमानदारी से धन आया हो तो अलग बात है, नहीं तो सच्चरित्रता ढूंढने को न मिले। और आज चरित्र नाश को लोग अपना आदर्श मानते हैं, नवीनपना मानते हैं, नयापनपना मानते हैं कि तो नया जमाना है। तो ये सारे के सारे ये 15 दोष किसके कारण आए? 15 के दोष कारण केवल अर्थ के कारण आए हैं। एते पंचदशा अनर्थाः ह्यर्थ मूला मता नृणाम। कहते हैं राजन, सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन मेरा ऐसा मत है ये 15 जो हैं अर्थ के अनर्थ हैं, और यही कारण है श्रेयो अर्थी दूरत त्यजेत। श्रेय कामी को, व्यक्ति को इससे दूरी बना लेनी चाहिए, इसके समीप जाने की जरूरत नहीं है, दूरी बना के रखे। अर्थ में कितने अनर्थ होते हैं महाराज, ये तो हम देखते हैं। जो कभी भाई एक थाली में बैठकर भोजन करते थे, एक थाली में एक दूसरे को खिलाए बगैर खाते नहीं थे, आज वही भाई दूसरों से बात नहीं करते एक दूसरों से। क्यों नहीं करते? कि जब बंटवारा हुआ तो कहते हमारे साथ अन्याय हुआ, शिकायत करते महाराज जी मेरे बाप ने मेरे साथ अन्याय किया। आज एक माता जी शायद कहो बैठी हूं यहां, आज हमको कहा उन्होंने कि हमारी सास ने, वो मर गई किंतु जो उसने किया है धन के बंटवारा में हमको बार बार याद आता है, उसने मेरे साथ गलत किया है और मैं चाहती हूं कि उसकी याद न करूं। अब वो चली गई है, क्या कहना है, किंतु बार बार महाराज जी हमको याद आती है वो, उसको कैसे अपने मन से निकालें हम कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। फिर हम उसको कई युक्तियां बताए, अभी आने के पहले ही उनके साथ चर्चा कर रहा था मैं। सब कुछ देकर गई है, बहुत बड़ा बंगला देके गई, मकान देकर गई, सब कुछ दे गई, किंतु उसके बाद भी लगता है कि देवर को ज्यादा दे गई होगी, साथ में जिसके रही स्वाभाविक हो सकता है ज्यादा दिया हो, किंतु जितना दिया है उस देने में संतुष्टि नहीं है, जो नहीं दिया है उसकी शिकायत है। कितनी विडंबना है, इतनी विडंबना है कुछ पूछो नहीं। मैं तो आपको सच कहूं, भागवत के आधार पर कहूं, कई बार कोई चीज हमको मिलती है तो हम लोग उसको अपना अधिकार मान लेते हैं, किंतु यदि कोई सम्मान सुविधा संपत्ति हमको दे, कोई भी देने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उसको अधिकार नहीं उपकार मानना चाहिए। आज जितने तकरार हैं केवल अधिकार मांगने के कारण है। अगर सामने वाले का उपकार हम माने तो झगड़ा होगा ही नहीं, और ये बड़े बड़ों में दोष आ जाता है। दोष आए ना आए तब भी ये भगवान दिखाते हैं। वृंदावन में एक असुर को भगवान ने मारा, उस असुर का नाम था शंखचूर्ण। अब उसके मस्तिष्क में एक मणि थी, भगवान ने वो मणि निकाल करके दाऊ दादा को दे दी,
स्वाभाविक था कि उस समय बड़े वही थे और पूरे मंडली में सबसे बड़े थे, सखाओं की मंडली में बड़े भाई थे, साथ रहते थे। किंतु संयोग यह बना कि जब महाराज वो मणि द्वारिका में, जब उनको सेमंतक मणि मिली और ठाकुर जी ने वो मणि अपने ससुर साहब को ही दे दी कि तुम ही रखो, और ली नहीं, बाद में उस मणि की वजह से कई हत्याएं हुई, और जिसके ऊपर शंका थी कि इसके पास मणि है, उसको मारने के बाद जब तलाशी ली गई कि मणि नहीं निकली, तो दाऊ दादा नाराज होकर श्री कृष्ण का साथ छोड़कर चले गए। भागवत के मूल में वर्णन है। और जनकपुर में जाकर के जनक जी के यहां रहकर दुर्योधन को द्वेष की वजह से गदा विद्या सिखाई। श्री कृष्ण से द्वेष हुआ उनको कि हमको मणि नहीं मिली। क्यों ये द्वेष हुआ? क्योंकि उनको जो पहली बार मणि मिली थी तो उनको लगा कि जो जब भी मणि मिले हम ही को मिलनी चाहिए। अरे समय बदलता है, ध्यान रखना चाहिए। कई बार कुछ चीजें होती हैं, बच्चे छोटे होते बाजार से कुछ सामान लाएं, कुछ लेकर के आए तो मां को दे दें। अब मां के दिमाग में आ जाए कि ये जब भी चाहे बच्चे हो जाए चाहे उसकी पत्नी हो जाए, ये हमारा अधिकार हम ही को मिलना चाहिए, और वही बेटा ला करके बाद में नहीं देता है तो लगता है कि हमारा अधिकार छिन गया, और अधिकार इस बहू ने छीन लिया, तो सारा द्वेष का कारण हो गया। हमारे जीवन में हमारा कुछ अधिकार नहीं है, हमको जो मिल रहा है भगवान का उपकार है, इसलिए उपकार मानोगे तो कभी तकरार नहीं होगी। और यदि हम अधिकार मानेंगे कि ये मेरा अधिकार है, ये हमको मिलना चाहिए, और सारे के सारे झगड़े इसी बात के हैं कि हम अपने अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये हमको मिलना चाहिए। नारायण में निवेदन कर रहा था, यहां वर्णन इस बात का किया कि जो व्यक्ति अपना श्रेय चाहता है, तस्माद् अनर्थम अर्थम आख्यायम अनर्थ, भले ही अर्थ के नाम से उसको जाना जाता है किंतु वह है तो अनर्थ। श्रेयो अर्थी दूरस्त त्यजेत, क्यों? बोले भिद्यते दारो भ्रातरो दारा पितरः सुहृदस् तथा एकस्निग्धः किंकिणे सद्यः सर्वे रयकृताः। महाराज ये भाई भाई के बीच में आ जाए तो दुश्मनी कर दे। विद्यते भ्रातरो, विद्यते दारा, विद्यते पितरः, विद्यते सुहृदः, ये सब जगह भेद डाल देता है। मेरे तो कोई अगर पूछता है कि महाराज हमारे अमुक रिश्तेदार हमसे रुपया मांग रहे हैं, देना चाहिए कि नहीं? उधार मांगने का बिल्कुल मत देना, देने का नाम मत लेना। तो मेरे से कहते महाराज नहीं देंगे तो रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। हमने कहा दोगे तब भी खराब होगी, ना दोगे तब भी खराब होगी, और देने के बाद जो खराब होगी वो ज्यादा खराब होगी, और न देने पर जो खराब होगी वो कम खराब होगी, क्योंकि वो जब समय से देगा नहीं आपको तो आपका चित्त खराब होगा, और बार बार मांगने जाओगे तो एक दूसरे से मुख छुपाएंगे। तो ये अनर्थ उत्पन्न करने वाला ही है, इसलिए इन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही। अरे नारायण दूर मत जाओ, बाप और बेटे में भी अर्थ के कारण झगड़ा हो जाता है। आजकल तो उस सब घटनाएं क्या दिखाएं आप बताएं, आपको स्वयं टीवी में सुनते हो, कितने बच्चे तो अपने माता पिता की संपत्ति पाने के लिए मार तक डालते हैं, ये प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। बोले ऐसे तो मिलेगा नहीं तो पितरा सुहृद, जो अपने सुहृद है, जो अपने प्रेमी हैं, अरे नारायण कहां तक कहें, कौड़ी मात्र धन के लिए, कौड़ी मात्र धन के लिए सर्वे अरह कृताः, सबको दुश्मन बना देता है। छोटे छोटे धन के लिए हम लोग दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के। भगवान उद्धव को कह रहे हैं इसलिए त्यजत आसु महाराज स्पर्धो घ्नंति सहसो सृजत सौहृदम, और इतना ही नहीं होता है महाराज, इस अर्थ के कारण बड़े अनर्थ होते हैं। स्वर्गापवर्गयो द्वारम
प्राप्य लोक मिमाम पुमान द्रविणी कोन सज्जेत मर्त्यो नर्थस्य धामनी। ये जो हमको शरीर मिला है ये स्वर्ग और अपवर्ग का द्वार है। मनुष्य शरीर स्वर्ग और अपवर्ग का द्वार है। महाराज जिसको बड़े बड़े देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि हमको ये मिल जाए, जन्म अमर प्रार्थ्यम, अमर भी जो अमर जिनका नाम है देवता वो भी मनुष्य जन्म चाहते हैं। अमर कहते हैं जो कभी मरे नहीं, तो ये देवता अमर हैं, किंतु वो भी चाहते हैं कि मैं मर करके मनुष्य बन जाऊं। क्यों? देवताओं को तो भोग तो उपलब्ध है किंतु मोक्ष उपलब्ध नहीं है। वो भोग तो भोग सकते हैं। अच्छा, वहां एक विलक्षणता और भी है, आपने जो पुण्य किया है और जितनी पूंजी आपके पास में है उसी पूंजी के आधार पर वहां भोग भोगोगे, और वहां नई पूंजी नहीं कमा पाओगे, नई पूंजी इकट्ठा नहीं कर पाओगे स्वर्ग में, नया अर्थ आप इकट्ठा नहीं कर सकते वहां पुण्य। और जिस दिन वह पुरानी पूंजी आपकी गई, छीने पुण्य मर्त लोके विसंती, धक्का मार के निकाला जाएगा, प्रेम से नहीं। मैं तो कई बार लोगों को कहता हूं ये स्वर्ग तो 7 स्टार 5 स्टार होटल जैसा ही है। आप पैसा हो आपके पास जाओ तो दरवाजे पर ही सेवक मिलेंगे, आपके अटैची ले जाएंगे, पहुंचोगे तो गीली तौलिया देंगे, मुख पोछो, भोजन के बाद महाराज खड़े होंगे सब, नींबू देंगे, गर्म पानी देंगे, हाथ धो लो, सब सुविधा देंगे, और बाबूजी हाथ खड़े खड़े बने रहेंगे, ऐसा लगेगा कि बड़ा सम्मान दे रहे हैं। किंतु जिस दिन आपके पास पैसा समाप्त हो जाए और आप कहो कि नहीं 4 दिन इतने दिन तो 4 दिन और रहने दो, तो जो सम्मान दे रहे थे ना, हाथ जोड़कर खड़े थे जो, वही आपका सामान लेकर बाहर करेंगे, वही सामान। और निकलते हो कि नहीं निकलते हो, भाषा ही बदल जाएगी जी। आप पेमेंट न दो तो भाषा ही बदल जाएगी। ऐसे ही पुण्य स्वर्ग में भी आप पेमेंट जब आपके पास न हो देने की, तो जो वहां सेवा करने वाले लोग थे उनकी भाषा बदल जाएगी, वो भी महाराज फेंक देंगे। किंतु ये मनुष्य शरीर जो है ये आपको कमा सकते हो, आप इसमें नई पूंजी आप इकट्ठा कर सकते हो, और इतना ही नहीं महाराज ऐसी पूंजी भी इकट्ठा कर सकते हो जिसमें जन्म मरण हो ही नहीं, निश्चित रूप से उस प्राप्त कर सकते हैं। इतना दृत्य ये स्वार्थनम ग्रहन्ति, किंतु जो केवल अर्थ कमाने में लगा हुआ है वह अपनी ही हत्या कर रहा है। और स्वर्गापवर्गयो द्वारम प्राप्य लोक मिमाम पुमान द्रवणे कोनु सज्जेत मर्त्यो अनर्थस्य धामनी। किंतु ये जो अर्थ है ये अनर्थ का धाम है, अनर्थस्य धामनी। आप कहेंगे अनर्थ का धाम का अभिप्राय, जैसे बद्रीनाथ जाओ तो बद्रीनाथ धाम है, वहां नारायण रहते हैं, और ये जगन्नाथपुरी जाओ तो जगन्नाथपुरी धाम है, वहां जगन्नाथ भगवान रहते हैं, और आप यहां गुजरात में द्वारिका जाओ तो द्वारिकापुरी धाम है, वहां श्री ठाकुर जी निवास करते हैं। ऐसे जो अर्थ है ये अनर्थ का धाम है। अर्थ के धाम में जाओगे तो यहां अनर्थ की मूर्ति का दर्शन होगा, अनर्थ का वहां दर्शन होगा। इसलिए कहते मर्तो अनर्थस्य धामनी, देवर्षि पितृभूतानि ज्ञाति न बंधु न भागिनः असंभिज्य चात्मानम यक्ष वित्त्या पतंत्यघा। जो यक्ष वित्त हो गया है, न धर्म में अर्थ लगाता है न अपने उपभोग में करता है, ऐसे कदर की तो दुर्गति ही होती है। व्यर्थश्चार्थे हया वित्त्यं प्रमत्तस्य वयोबलम्। उन्होंने कहा देखो तो सही, मैंने अपनी अवस्था व्यर्थ में बिता दी, आज वृद्धावस्था मेरी आ गई। और कहा कुशला एन सिद्ध्यंती जरठक किमनु साधे, अब क्या स्वर्थ कुशल बन सकता है। ये चिंतन करके महाराज इन्होंने कहा कि आज इनको वैराग्य हो गया, और वैराग्यवान करके कहते हैं नूनम में भगवान तुष्टः। सच कहे
भगवान उसी के ऊपर संतुष्ट है जो ऐसी परिस्थिति का भी सदुपयोग कर सके। हमको परिस्थिति का सदुपयोग करना आना चाहिए। धन हो तो दान करके उपयोग करो, भोग करके उपयोग करो, और धन का अभाव हो तो तप करके उपयोग करो, परिस्थिति का श्रृंगार करो। परिस्थिति में बैठकर रोने की जरूरत नहीं है कि हाय हाय मेरे पास ये नहीं, हाय हाय मेरे पास ये नहीं, और मेरी तो अनुभूति ऐसी है सब सापेक्ष है। सापेक्ष ऐसे है जब अर्थ का अभिमान होने लगे तो अपने से बड़ों को देखो तो लगेगा हमारे पास कुछ नहीं है, और यदि अभाव खटकने लगे तो अपने से छोटों को देखो। हम तो कई बार ट्रेन में होते हैं और झुग्गी बक्सियां देखते हैं, दिल्ली आदि में तो लोग महाराज गर्मी के समय में ट्रेन की जहां पटरियां बिछी वहीं सो जाते हैं, और वहीं घर है उनका बगल में, और वहां चारों तरफ मलमूत्र पड़ा हुआ है, गंदगी का भंडागार। तो जब उनकी जिंदगी में देखता हूं तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ठाकुर जी आपने तो अपने इस शरीर को इतना प्रेम से रखा है, हम इस लायक तो नहीं थे, आपने कितना दिव्य स्थान दिया है, दिव्य अच्छे लोगों का संग दिया है। अब ये सापेक्ष हो गया कि अगर आप सोचने लगे मेरे पास तो कुछ नहीं है। मेरे पास एक बच्चे ने एक वीडियो भेजा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बालक जा रहा था बड़ी अच्छी कार में, तब तक उसने अपने मित्र को ऊपर से देखा कि हेलीकॉप्टर से जा रहा है, अपना छोटा सा उसको देखा तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं, देखो उसके पास इतना है। एक मोटर हमारा सामान्य कार वाले ने कहा देखो उसके पास बहुत है। फिर मोटरसाइकिल वाले ने कहा कि कार देखो इसके पास तो कार है, मेरे को तो भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। फिर बाद में साइकिल वाले ने कहा इसको तो मोटरसाइकिल दी, मुझे तो कुछ दिया ही नहीं। ऐसे चलते हुए चले तो देखा क्या कि लाल बत्ती थी और वहां एक व्यक्ति घसीटता हुआ चल रहा था जिसके दोनों पैर नहीं थे और हाथ भी नहीं थे। वो जब चलता था तो एक व्यक्ति ने कहा कि वारे वाह परवरदिगार, तूने तो मुझे सब कुछ दिया है, हाथ दिए हैं, इस बेचारे को तो हाथ भी नहीं दिया, पैर भी नहीं दिया। हमारे पास तो हाथ भी है, पैर भी है, विवेक भी है, बुद्धि भी है, विचार भी है, आपके ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो पाऊंगा। तो जब हम देखते हैं तुलना करके तब पता चलता है कि कहां स्थिति हमारी है। तो इस व्यक्ति ने महाराज क्या किया, देखा क्या नूनम में भगवान तुष्टः। वो कहते आज हमारे ऊपर भगवान बड़े प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है, बोले जो सर्वदेव मयो हरि, जो सर्वदेव मयो हरि हैं, उन्होंने ही एन नीतो दशा में ताम, आज उन्होंने ही मेरी ये दशा बनाई है। अगर मेरा धन न छीना होता, मेरे परिवार वालों ने मेरी उपेक्षा न की होती, मेरे घर वालों ने मुझे डंडा मारकर बाहर न निकाला होता, तो निश्चित रूप से आज मेरी स्थिति न होती, और करने वाला कोई दूसरा नहीं है, ये सब हरि ने किया है। नाम ही उनका हरि है, जो हरण करते हैं, हरति इति हरि, उन्होंने सब कुछ हर लिया, किसी दूसरे को दोष नहीं दिया। और सब कुछ हर करके क्या क्या एक सबसे बढ़िया काम दिया कि निर्वेदः, मुझे निर्वेद दे दिया, मुझे वैराग्य दे दिया। जो आत्मन प्लवः, ये नौका है, वैराग्य नौका है, जिस नौका पर हम आरूढ़ होकर के आत्म प्राप्ति कर सकते हैं। फिर विचार करने लगे कि अरे हमारे पास तो समय बहुत कम है, शरीर दुर्बल हो गया है, चिंतन करने लगे नहीं नहीं नहीं, खट्टुआंग राजा के पास कौन सा बहुत ज्यादा समय था, हमारे पास तो अभी समय है। सोहम कालावशेषेण, जो मेरे पास काल अवशेष बचा है उससे मैं तप करूंगा, और तप करके आत्मा की प्राप्ति करूंगा। अब मैं आलस्य नहीं करूंगा, अब मैं समय खराब नहीं करूंगा। और यह चिंतन करके वह देवास भुवनेश्वरा भगवान का चिंतन करने के लिए मुहूर्तेन ब्रह्मलोकम खट्वांगा समसाधयत, या चिंतन करके उसने चिंतन किया कि मैं तप करूंगा।
और ये समय का सदुपयोग करके आत्म प्राप्ति करूंगा। श्री भगवान कहते हैं उद्धव को, इत्यभिप्रेत्य मनसा, या मन बना करके उसने, अब वो दुज सत्तम जो था, तमुच्च हृदय ग्रंथि शांतो भिक्षु भवोन मुनि, उसने हृदय की ग्रंथि काट दी, शांत हो गया, भिक्षुक हो गया और मुनि हो गया। भिक्षुक माने सन्यासी और मुनि माने मननशील। जो मननशील होता है उसका नाम मुनि है। और वह घूमने लगा। अब घूमने लगा तो भिखारी का भेष था, किंतु भिक्षा के लिए उसको समाज में जाना पड़ता था। जब भिक्षा के लिए समाज में जाता था तो महाराज दुष्ट लोग उसको बहुत गाली देते थे। कई लोग तो, यहां वर्णन है, केचित् त्रिवेणुम जगृहु, कई लोग तो उसका डंडा छीन लेते थे, कई लोग उसका पात्र कमंडलु छीन लेते थे, कई लोग उसका पीड़ा छीन लेते थे, अरे गले में रुद्राक्ष की माला पहनी थी तो वो भी छीन लेते थे, कई लोग कंथा छीन लेते थे, और इतना ही नहीं कपड़ा छीन लेते थे। और जब ये कुछ बोलते नहीं थे तो बोले बड़ा बक है, बगुला भगत बन गया है, कुछ बोलता नहीं है, मैं इसको अच्छे ढंग से जानता हूं। अरे नारायण कहां तक कहें, मैंने तो जब पहली बार पढ़ा हम तो गदगद होने लगे कि ऐसी स्थिति तो शायद अब किसी की न होती होगी, साधु की भी, कोई भिखारी के साथ भी इस प्रकार का व्यापार नहीं करता जो यहां वर्णन है। मूत्रयंती च पापिष्ठाः, वो भोजन लेकर के आता था, एकांत में बैठा हो तो उसके भोजन में लोग लघुशंका कर देते थे, और तब भी कुछ न बोले तो उसके सर पर, मुख पर थूक देते थे, और ऐसी कठोर कठोर वाणी बोलते थे। महाराज क्या कहें, इतने पर भी कुछ न बोले तो कहते थे चोर है चोर, और ऐसा भेष बना रखा है तो लोग मिलकर मारते थे, और उसके बाद भी न बोले तो उसको वृक्ष से बांध देते थे। बदनंति रज्ज्वा तम केचित् बद्यताम बद्यताम इति, मार डालो इसको, मार डालो, बहुत बड़ा ढोंगी है। और इसके बाद भी वह कुछ न बोले तो कहते थे अहो एव महासारो, महापापी है ये, लगता है साक्षात धृतिमान गिरिराडिव, पहाड़ के समान धैर्य धारण कर रखा है, ये मौन इसलिए धारण कर रखा है कोई अपना कार्य बनाना चाहता है, ये दृढ़ से इसलिए कुछ बोलता नहीं है। महाराज ऐसे ऐसे कष्ट देने के बाद, एक प्रकार से कष्ट नहीं, एवं स भौक्तिकम दुखम दैविकम दैहिकम चयत, भगवान कहते हैं उसको भौतिक दुख, ये दुर्जनों के द्वारा सताया जा रहा है, ये दुख है, लोग गाली दे रहे, भौतिक दुख है, किंतु होता क्या था कि महाराज बुखार आ जा गया। अब बुखार आ गया, कोई रोग हो गया है तो शारीरिक हो रहा है, अब वर्षा बहुत ज्यादा हो गई, भींग गया है तो देवताओं के द्वारा दिया गया, तीनों प्रकार से ताप देने के बाद भी वह कुछ भूत महाराज बोलता नहीं था। और परिभूत इमाम गाथाम अगायत नराधमयी ही, दुष्टों से घिरा हुआ बड़ी मस्ती में गीत गाता था। आप सोचो कि सच्चा तो गायक यही है, ऐसी स्थिति में गीत निकलेगा किसी से, और ऐसी मस्ती में गाथाम अगायत नराधमयी ही, पातयद भी स्वधर्मस्तो धृतिमास्थाय सात्विकी, वह सात्विकी स्थिति को प्राप्त करके गीत क्या गाता था। ये द्विज कहता था नायम जनों में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा गृह कर्म कालाहा, मन परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत यत। वो कहता था दुनिया में कोई दूसरा सुख दुख देने वाला नहीं है, ये हमको जो दुख देते हुए दिख रहे हैं ये समर्थ नहीं दुख देने का, इनमें सामर्थ्य नहीं कि दुख दे जाए कोई, सुख दुख का कारण यदि कोई है तो हमारा मन है, कोई न सुख देता है न हमको कोई दुख देता है। वो किस प्रकार से विचार करते हैं अपने गीत के माध्यम से, 18 श्लोक हैं, और ये 18 के श्लोक इतने अद्भुत हैं, ठाकुर जी की कृपा से 9-9 ले लेंगे, कल 9 हो जाएंगे, परसों 9 हो जाएंगे, तो 9-9 श्लोक करके
ये भिक्षु गीत अद्भुत है। और ये कवच यदि अपने को मिले तो कैसी भी परिस्थिति में कोई ये कवच भेदन नहीं कर सकता है। जैसे युद्ध में हम जाते हैं तो युद्ध में कवच पहन लें, तो यदि कवच पहन लें तो सामने से कोई महाराज प्रहार भी करे तो हम घायल नहीं होंगे। तो ये सचमुच में हर परिस्थिति में जीने के लिए ये भिक्षु गीत का गीत कवच है। और जिस प्रकार से इन्होंने विवेचन किया इतना अद्भुत है, उसकी चर्चा में क्रमशः करूंगा। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं आराध्य के पावन चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।